يا أيها الذين آمنوا آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. حضرات زیبکار माशाअल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि हबाबे जमात की दावत है नहायत ही काबिले कदर हाजी अकरम साहब हाजी सईद साहब और दीगर जमाती हबाब रुफाका उन्होंने कहने एक अरसाए तवील तो बाद आप जैसे रोशन चेहरिया की जियारत नसीब हुई है। दोस्त अहबाब के कहने मैं थोड़े नाल चंद मिनट पंजाबी के अंदर गुफ्तगू करांगा, पूरी तवज्जो मेरे वल रहे। हजरात ज़ीवकार उलमाए किराम ने इस मौजू के मुतालिक बहुत ज़्यादा लिखा कि फराइज़ तो बाद सब नालों बेहतरीन वड्डी इबादत और नेकी केड़ी है। फर्ज नमाज, फर्ज रोज़ा, फर्ज हज, फर्ज ज़कात एदे तो बाद सब नालों वड्डी इबादत और नेकी केड़ी है। मैं उलमाए किराम दे दो तीन अकवाल तुसां दे पेशे खिदमत करके अपना मौकफ भी बयान करना और मैं तुसां अहबाब की राय भी चाहना। बाज़ उलमाए किराम ने लिखे है कि किसी भी नेकी दे मुतालिक एक क्लीयर कट बात नहीं कही जा सकती कि जी जड़ी फलां नेकी है ये फराइज़ तो बाद सब नालों वड्डी नेकी है। हालात का तकाजा वेख्या जाएगा, मौका महल और मुनासबत वेखी जाएगी। जिस मौके पर इंसान जिड़ी भी इबादत बेहतरीन समझता होएगा वह फराइज़ तो बाद सब नालों वड्डी इबादत और नेकी होएगी। मिसाल के तौर पर तुसां किसी के कोल मेहमान गए हो, पूरी तवज्जो मेरे वल, तुसां किसी के कोल मेहमान गए हो, आगे जिहड़ा तुहाडा मेज़बान है उलमाए किराम ने लिखे है कि मेज़बान की फराइज़ तो बाद सब नालों वड्डी नेकी होएगी कि जिहड़ा उहदे कोल मेहमान आया है उहदी खातर तवाजो करे, चाहे पिला सकता है तो चाहे पेश करे, खाना खिला सकता है तो खाना पेश करे, उहदे कोल बैठे, उहदे वास्ते बिस्तर लगाए, उहदे वास्ते बैठन का सौन का इंतजाम करे, अगर कर सकता है तो उन्हें खाना भी खिलाए, ना कि मेहमान घर आया हो बंदा उन्हें पूछे दसे ही ना, बंदा उहदे कोल जे मसला बिछा के तस्बीह पढ़ना शुरू कर देवे। इत्थे तस्बीह पढ़ना बड़ी नेकी नहीं बल्कि मेहमान दे कदर की जरूरत है। इत्थे कुरान पढ़न की जरूरत नहीं बल्कि मेहमान की कदर की जरूरत है। हजरात ज़ीवकार शेखुल इस्लाम इमाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह दे कोलों किसी ने सवाल किया कि इमाम साहब फराइज़ तो बाद सब नालों वड्डी इबादत केड़ी है। तो शेखुल इस्लाम इमाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह फरमान लगे कि अल्लाह दे बंदो, जिस अल्लाह पाक ने तुहानू सेहत दिती है, जवानी दिती है, कारोबार दिता है, घर बार अता कर दिता है, हर पल हर दम हर कदम जुबान ते उस सोने अल्लाह दे सोने नाम नो जारी रखिया जाए ये फराइज़ तो बाद सब नालों वड्डी नेकी। इमाम साहब का मौकफ अपनी जगह ते बजा है, लेकिन अजीज तलाबादी जमात मेरे बुजुर्गों मेरे अजीजों मेरी जहां तक आवाज जाए, मैं सहीहुल बुखारी पढ़ के जिस नतीजे ते पहुंचिया कि अल्लाह दे बंदों फराइज़ तो बाद तुहाडी सब नालों वड्डी नेकी है जे कि इंसान नूं जदों भी मौका मिले इंसान सुन्नत दे मुताबक वजू करे और सुन्नत दे मुताबक वजू करके दो रकत नफल नमाज अपने सोने रब वास्ते पढ़ देवे ये फराइज़ तो बाद सब नालों वड्डी नेकी है। क्यों? इस दो रकत नफल नमाज अंदर कयाम भी है, इहदे अंदर रकू भी है, इहदे अंदर सजदा भी है, इहदे अंदर तशहुद भी है, इहदे अंदर दरूद भी है, इहदे अंदर कुरान भी है, ते मदीने वाले मुस्तफा दा सोना ते सच्चा ते सुच्चा फरमान भी है। हजरात अगर तुसी मेरे को सवाल करो कि कारी साहब तुसी पढ़ पढ़ा के किस नतीजे ते पहुंचे जो, ओ लोगो मैनू पैदा करने वाले किबरिया दी किबरियाई दी कसम है, मैं पढ़ पढ़ा के जिस नतीजे ते पहुंचिया कि जेड़ा बंदा अपनी तनहाई दे नफलों की कैफियत नू चेक कर लैंदा है अल्लाह पाक उस बंदे दी मट्टी नू सोने अंदर तब्दील कर दे। यार नफल नमाज तेरे मसाइल का हल है,
नफल नमाज तेरी बेटियां दे मसाइल दा हल है, तेरे कारोबार दी तंग दस्ती दा हल है, मईशत दी तंगी दा हल है। अल्लाह ना करे बारिश ना हुंदी होवे, कुराने पाक ने दस्या है, हदीस ने दस्या है, नफल नमाज पढ़ के रब दे कोलों दुआ करो, अल्लाह नफलां दी बरकत दे नाल बारिश भी बरसांदा है, अल्लाह मईशत दी तंगी तो निजात भी देंदा है। हजरात मैं अल्लाह दे कुरान अंदर पढ़िया है, पैगंबर दे फरमान अंदर पढ़िया है, जिहड़ा बंदा नफल पढ़ता है ना, इधर मेरे वाल वेखिया जाए, जे नफल पढ़ के ते हाथ चुक के रब दे कोलों दुआ करता है। मैं बुखारी अंदर पढ़िया, मदीने वाले मुर्शिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक नफलों की बरकत दे नाल उहदी दुआ नूं कबूलो मंजूर फरमा लैंदे। आइए नफल नमाज दे मैं दो फायदे सिर्फ तुहाडे सामने बयान करना कि जिहड़ा बंदा यार नफल पढ़ता रहिंदा, नफल पढ़ता रहिंदा, नफल पढ़ता रहिंदा, रब की चाशनी अता करदा। अल्लाह पाक ने अपने कुराने पाक अंदर की फरमाया, अल्लाह फरमा रहे ने, ऐ मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा दीजिए। सुनो लोगो, जिहड़ा बंदा नफलां दे नाल प्यार करदा, नफल नमाज दे नाल मुहब्बत करदा, मैं बेटियां दे मसाइल दा हल बयान करा, परेशानियां दे मसाइल दा हल बयान करा, जे कारोबार दी तंग दस्ती है ते ओहदा हल बयान करा। अल्लाह पाक ने अपने कुराने पाक अंदर की फरमाया, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनुस्ताइनु बिस्सबरी वस्सला इन्नल्लाहा मअस्साबिरी। के मदद मंगो अपने अल्लाह पाक दे कोलो, सबर करके ते नमाज पढ़ के, जदों भी कोई परेशानी आ जावे, दुख आ जावे, मुसीबत आ जावे, किसी दे दर ते जान दी जरूरत नहीं। हजरात वजू बना लो ते मसले बचा लो, अल्लाह पाक दे सामने सजदा रेज हो जाया कदर। वैसे ही बुखारी दे अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अम्मा जी ऐशा फरमांदियां ने, अद्धी रात दा वेला मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने नरमो गरम बिस्तर छड़ दिता है, सर्दी की ठिठर दी रात, अम्मा जी ऐशा फरमांदियां ने, अद्धी रात दा वेला मैं, मेरे दिल के अंदर ख्याल आया शायद किसी और बीवी के घर ना चले गए हो। नबी अलैहि सलाम ने अज वजू बना लिया, मुसल्ला बचा लिया, अल्लाह दे पैगंबर ने एक लंबा कयाम किया, लंबा रुकू किया, लंबा सजदा किया। हज़रात मैं सुनने नसाई दे अंदर पढ़िया, अम्मा जी ऐशा फरमांदियां ने, काका दरी सूरतुल बकरा, जिन्नी देर तक तुसी सूरतुल बकरा दी तलावत करदे हो, एडा लंबा तुहाडे पैगंबर ने एक रुकू किया। भाई जान कमो बेश डेढ़ घंटे का तुहाडे पैगंबर ने एक रुकू किया। मैं अपने गिरेबान के अंदर झांक के वेखा यार, मैं 27-28 बहारा जिंदगी दियां वेख चुकिया, हर पर तो बशर अपने गिरेबान के अंदर झांक के वेखे, मैं जिंदगी दी 50 बहारा गुजार चुकिया, 70 साल गुजार चुकिया, 80 साल की जिंदगी गुजार चुकिया, क्या मेरी 50 साल जिंदगी के अंदर एक दिन भी ऐसा आया है कि 50 मिनट का मैं अपने रब न एक रुकू किया हुए। ओ लोगों, में एक पैगाम में फिक्र देना चाहना, मेरा दर्द है, मेरा पैगाम है, मेरा मैसेज है, मैं अल्लाह दा वास्ता दे के कहना, अपनी तनहाई दी पाकी नू चेक कर, किते तेरी तनहाई दे अंदर पलीदगी ते नहीं आ गई, उत्थे बैठना है ते ओदी गल करना है, कदे किसे दी नाल बदतमीजी नाल पेश आना है, कदे किसे दे नाल बदसलूकी करना है। हजरात मेरे पैगंबर ने फरमाया, ऐसा बंदा रब नू बड़ा भैड़ा लगता है, जिहड़ा बंदा किसे दे कीड़े कढ़दा है, किसे दियां बातां करदा है, किसे दे गारे गल्लां करदा है, किसे दी छोटी जी बात दा पता चल जाए पूरे शहर दे अंदर धमा के रख देंदा है। तेरे पैगंबर दा ते फरमान है, अगर अखां दे नाल किसे नू गुनाह करदा वेख लो ते तब भी लोगां दे अंदर जाके बयान ना करो। यार वेख लो, असी अल्लाह की कसम की करने पे, की जड़ी यार केड़ी गलती है जड़ी असी नहीं करते, केड़ा गुनाह जड़ा असी नहीं करते। आ मोबाइल ते वेख लो अजकल की ट्रेंड चलिया, फेसबुक ते कदे किसे आलम दे बारे बात करदा है, कदे किसे दे बारे गलत कमेंट करदा है, कदे किसे दे बारे मैसेज करदा, ना भाई है कैंची दी तरह कुतरदियां ने नेकियां नूं तेरियां, जड़ियां चार को नेकियां लई फिरना ना, ए चीज़ां जिहड़े गलत कमेंट करने, किसे दे बारे बातां करनियां, एवें किसे दे बारे जैलस हुंदे रहना, सड़दे रहना, मरदे रहना, ए नेकियां कुतर के रख देंदियां ने। अम्मा जी ऐशा फरमांदियां ने, इक लंबा कयाम कीता, मैं ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिछों दी आई,
आके मैं अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कंधा पाक दे हाथ रख दिता है। मैं अल्लाह के नबी पाक नू फरमा रही हाँ, अल्लाह के नबी जी तुहाडा ते गुनाह भी कोई नहीं, गलती भी कोई नहीं, खता भी कोई नहीं, निस्यान भी कोई नहीं। अल्लाह के नबी जी फिर एडे लंबे क्याम लंबे रुकू लंबे सजदे क्यों कर दे हो? ओ सुनो लोगो, जड़ा जुमला मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसमे मेरा बस चले तो मैं हर बंदे दे गले दी माला बना के टुर जावा। अम्मा जी आयशा नू नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी आयशा अफला अकूनु अबदन शुकूरा, क्या नफल नमाज पढ़ पढ़ के मैं अपने अल्लाह दा शुक्र गुजार बंदा ना बन जावा। यार पता चलता है जेड़ा बंदा नफल पढ़ता है ना, अल्लाह का शुक्र गुजार बंदा बनता है। जे रब का शुक्र गुजार बंदा बनना चाहते, जे अल्लाह पाक का कुरब हासिल करना चाहते, जे भाई जान फिर नफलों के नाल प्यार करो। शुक्रगुजारी पता की है, मिसाल के तौर पर हाजी साहब तुहाडे पुछन कि भाजी की हाल है, करी साहब की हाल है, हाई साहब की हाल है, उन्होंने यह कहना अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला। गल गल के नाल अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, तरीफा कर करके ढेर लगा दो रब दियां भाई जान। मैं वेखिया अरब के अंदर अल्लाह की कसम छोटे छोटे बच्चे, अ चंद दिन पहले मैं माशाल्लाह वापस आया और मेरी अल्लाह के कोलों दुआ है कि अल्लाह सुनिया मेरे समेत सानू सारिया नू बार बार बैतुल्ला के हज ते उमरे नसीब फरमा। अल्लाह सुनिया जम जम पला रज रज पला ते काबतुल्ला सद के पला। उन्होंने को पूछे ना कि हाल है, छोटा जहा बच्चा हो पांच या छे साल का, उन्हें कहना वालिल्लाह अलहम्द व नशकुरु वालिल्लाह अलहम्द अना तय्यिब अना जय्यिद अना मुमताज़। यानी कि वह मन आए मैं अलहमदुल्ला ठीक हाँ यार, अल्लाह का बड़ा ही शुक्र आ, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी हो गई, अल्लाह का बड़ा ही फसल हो गया। कोई एक बारी पूछे तो सत्त बारी कहो कि भाजी अल्लाह का शुक्र आ अलहमदुल्ला, मैं अल्लाह की तकसीम से राजी हाँ, मैंने जिथे को रब ने रखे मैं उत्थे को राजी हाँ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नफल नमाज का पहला फायदा है वे बंदा अल्लाह का शुक्र गुजार बंदा है। आखिरी हदीस से मेरा सलाम कि जे रब का असी शुक्र गुजार बंदा जा बनना चाहते हैं फिर भाई जान नफलों नाल प्यार करो। तो दूसरा नफल नमाज का फायदा पता की है, रवैत सही उल बुखारी के अंदर अम्मा जी आयशा सलामुल्लाह अलैहा बयान कर दिया ने, अल्लाह के नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो अद्धी रात का वेला हो जाता है, अल्लाह पाक आसमाने दुनिया ते आ जाते ने, आसमाने दुनिया ते आके अल्लाह पाक अपने बंदे दे नाल एक गल करते ने, ते अल्लाह कह रहे ने मा यज़ालु अब्दि यतकर्रबु इलैया बिन नवाफिल हत्ता अहबबतु, के मेरा बंदा जो नफलों के नाल प्यार करदा आहिस्ता आहिस्ता इन्ना मेरे करीब आ जांदा कि मैं अपने बंदे दा मोहिब बन जाना ते मेरा बंदा मेरा महबूब बन जांदा है। ओ यार जे रब दे प्यारे बंदे बनना चाहते, जे अल्लाह दे शुक्र गुजार बंदे बनना चाहते, जे फिर नफलों के नाल प्यार करो। अल्लाह दा जे कुरब लेना चाहते, जे फिर नफलों के नाल प्यार करो। कदे तहज्जुद दे वेले उठ के, कदे इशराक दे वेले उठ के, कदे ज़ुहा दे वेले उठ के, फजर तो पहले, असर तो पहले, ज़ोर तो पहले, ज़ोर तो बाद, मगरब तो पहले, मगरब तो बाद, इशा तो पहले, इशा तो बाद, जदों भी मौका मिले अल्लाह दे दर ते आ जाया कर। लंबा लंबा क्याम करया कर, लंबा लंबा रुकू करया कर। असरात में अल्लाह पाक दे कुरान अंदर पढ़िया जो बंदा नमाज की हालत अंदर होंदा है ते अल्लाह दे सब नालों करीब आ जांदा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नमाज दे अंदर या नमाज तो बाद अपनी जगह ते बैठा रहिंदा है, बैठा रहिंदा है ते रब दे कोलों जिहड़ी भी दुआ करदा अल्लाह नमाज की बरकत दे नाल नफलां दी बरकत दे नाल ओदी दुआ नूं कबूलो मंजूर फरमा लैंदे ने। भाई जान दो गल्लां यार मैं तुहाडे नाल मुकम्मल कर चुके हां। नफल नमाज का पहला फायदा है जे बंदा रब का प्यारा बनता है, तो दूसरा नफल नमाज का फायदा है वे बंदा अपने अल्लाह पाक का शुक्र गुजार बनता है। क्यों जी इंशाल्लाह पढ़ांगे ना नफल नमाज। भाई साहब कम अज़ कम यार सानू दो रकतां दे रोज़ पढ़नियां चाहीदियां ने। मैं नबी अलैहिस्सलाम दे बारे पढ़िया अम्मा जी आयशा फरमांदियां ने जदों भी कोई परेशानी आती नमाज वल ध्यान कर दे। हजरात मैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु दे बारे पढ़िया कमो बेश एक दिन के अंदर 40 तो ज्यादा नफल पढ़िया कर दे। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे बारे मैं सहा सिता और दीगर कुतुब के अंदर पढ़िया सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी जिंदगी चेक करके वेख लो इन्ना नफल पढ़ते इन्ने नवाफल पढ़ते पुछण वाले पुछते
ہے سیدنا عثمان معاملہ کیے فرمایا میں اللہ دے نبی دے کولو سنے ہے کہ نفلان دے اندر بندہ رب دے زیادہ قریب ہو جاندہ ہے میں اس کر کے نفل نماز پڑھنا امام زین العابدین رحمہ اللہ 50 تو زیادہ نفل پڑھیا کر دے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے حضرت زرار بن سمرہ کنانی رحمہ اللہ فرماندے نے رائی تو علی فی بازی مواقفی ہی ولقد ارخ اللیل صدودا وغارت نجوم وہو یسلی محرابی آفزم بلہلیتی ویبکی بغا الحزی ویتململ کما یتململ السلیب پھر دنیا نو خطاب کر کے فرمایا کر دے دنیا نو خطاب کر کے فرمایا کر دے اے دنیا ہی ہاتا الیت غررتی الیت شفقتی الیت وقت امری اے دنیا تمہیں گمراہ کر کے رکھ دیتا ہے حضرات میں اس روایت تواڈے سامنے ترجمہ کرنا چاہنا حضرت زرار بن سمرہ کنانی فرماندے نے میں ادھی رات دا ویلا حضرت امام علی نو ویکھیا انج محراب دی نکر دے اندر لگے نے اور لمبا ایک اپنے اللہ دے سامنے قیام کیتا ہے ویب ای بما الحزیے اور ایویں رو رہے نے کہ جویں سانپ دا ڈسیا ہویا رہندا ہے اور ایویں کپ کپاہٹ انہاں تے تاریے جویں پچھو دے ڈسے ہوئے تے کپ کپاہٹ آندی ہے فرماندے نے اپنی داڑھی نو پکڑ لیا تے فرمایا کردے ہئی ہاتا الیہ تگر رتی اے دنیا تو مینوں گمراہ کر دیتا ہے میرا بڑا اگے سفر لمبا ہے بڑا سفر لمبا ہے لیکن تو مینوں گمراہ کر کے رکھ دیتا ہے مینوں رب دے سامنے کھڑے ہوں تو روک دیتا ہے بھائی جان ویکھ لو نبی پاک جنتی آل جنتی اصحاب جنتی صحابہ سارے جنتی لیکن پھر بھی نفل نماز دی بھائی کنی فکر ہے یار تم کنے کو نفل پڑھنا ہے میں کنے کو نفل پڑھنا میں تمہیں آخری گل سنا دینا میں نہ انج چند دن پہلے بابے فہد دینا انج ماشاء اللہ سامنے بیٹھا تو میری نہ ایک بابا جی نال ملاقات ہو گئی نائجیرین بندے نہ کالے رنگ دا بندہ کم و بیش کوئی 60-70 سال ہو دی عمر میں نہ انہوں بھائی صاحب گیا میں کہا ادھو اللہ علی شیخ خانہ میں کہا شیخ صاحب میرے لیے دعا کر دیو انہیں نہ انج میرے الویک انج ہاتھ چکے نہ سب تو پہلے انہیں پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس تو بعد انہیں پڑھیا قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد تین مرتبہ انہیں پڑھیا پھر انہیں پڑھیا اذا جاء نصر اللہ والفتح تین مرتبہ اس سورت نو پڑھیا پھر انہیں تین مرتبہ آیت الکرسی مکمل پڑھی اللہ لا الہ الا هو الحی مکمل آیت الکرسی پھر انہیں تین مرتبہ پڑھیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر انہیں سات مرتبہ پڑھیا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس بعد انہیں تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیا پھر تین مرتبہ انہیں بعد دے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھی تے مینوں عربی وچ کہن لگا کہندا شیخ اے چیزاں پڑھ کے رب دے کولوں جیڑی بھی دعا منگے گا کہندا میں بڑا وڈا شیخ ہاں نائجیریا دا رہن والا کہندا میں ماشاءاللہ بخاری پڑھانا اپنے نائجیرین بچے نو کہندا میرا یہ ازمودہ نسخہ ہے جیڑا بندہ یہ پڑھ کے دعا کردا ہے اللہ پاک دی دعا ایتی برکت دے نال دی دعا نو قبول و منظور فرما لیندے نے تے مینوں کہن لگا کہندا قاری صاحب تسی پاکستان دے اندر مولوی جے متوا جے میرا جا کے لوکاں تک پیغام پہنچایا جے اگر یہ چیزاں پڑھ کے بھی تہاڈی دعا قبول نہ ہوے پھر نفل پڑھ لیا کرو تے دو رکعت نفل نماز پڑھیا کرو یہ چیزاں پڑھ کے دو رکعت نفل نماز پڑھیا کرو تے سینے تے ہتھ بن کے مینوں کہن لگا کہندا قاری صاحب انہاں نوں ایدا تسی کہنا جا کے کہ نفلاں دے اندر تسی پتہ کی پڑھنا ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر کہندا قاری صاحب انہوں درجنا دی تعداد دے اندر لے کے جانا ہے پھر لمبا قیام لمبا رکوع لمبا سجدہ کر کے جیڑا بندہ رب دے کول دعا کردا ہے اللہ پاک نوافل دی برکت دے نال دی دعا نو قبول و منظور فرما لیندے کیوں جی پڑھا گے نا انشاءاللہ اللہ دی بارگاہ علیہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ دی پاک ذات سارے سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین